सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। बाबा नंद सिंह जी नानक सर सलोगड़े सोलन और शिमले के बीच में विराजमान थे। दूर से नज़दीक से बहुत सी संगत आकर लाभ ले रही थी। गर्मियों की छुट्टियां होने पर चूहनिया अमृतसर लाहौर पत्तों की के धनी लोग ठंडे इलाके में आ जाते, दर्शन मिला करके आनंद मानते थे। पूर्णमासी का दिन आ गया, बहुत इकट्ठ हो गया, जिसमें बहुत अफसर भी थे। संगत ने कथा कीर्तन का आनंद माना। एक दिन बाबा जी संगत के साथ वचन कर रहे थे, संगतों के संशय दूर कर रहे थे। दो तीन घंटे वचन होते रहे। संगत को संबोधन करके कहने लगे, गुरु की संगत हमें भी कुछ दो। इस वचन की संगत को कोई समझ नहीं आई तो दोबारा कहा, भाई अगर आपको कोई रागी ढाडी प्रचारक बाहर से मंगवाया तो कपड़े वस्त्र माया वगैरह देनी ही पड़ती है, और आज हमारा भी आपने समा लिया है, हमें भी कुछ दो। यह सुनकर सारी संगत हैरान हो गई कि आज तक बाबा जी ने कुछ नहीं मांगा, पर आज क्या हो गया है। संगत सोच ही रही थी तो कहने लगे, भाई हम आपसे सोना नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, फिर भी मांगते हैं क्या समय। 24 घंटों में से कुछ समय निकालो, जो के 2.5 घंटे दसवंद आपके सिर हर रोज का कर्जा है। यह नियम करो कि हम इतना समय निकालेंगे। संगत ने विनती की कि इतना समय निकालना हमारे लिए बहुत कठिन है, तो बाबा जी ने वचन किया, 50 पाठ सुखमणि साहब के, जो प्राय 2 पाठ हर रोज के बनते हैं, या 250 पाठ श्री जपजी साहब के, जो के रोज के 10 बनते हैं, 6 माला 108 मन के, मूल मंत्र 1 ओंकार से नानक होसी पी सच तक रोज की महीना भर, या 80 माला वाहेगुरु की, अगर हिंदू है तो 160 माला राम राम की कर ले। इतना नित्यनेम जितना मर्जी समय कर ले, 2.5 घंटे का फल मिलेगा। वॉयस राय का प्राइवेट सेक्रेटरी राय बहादुर नारायण सिंह, वह भी संगत में बैठा था। उसने विनती की, बाबा जी हमारे पास तो आधा घंटा भी टाइम नहीं निकलता, हम पर कृपा करो, छूट दे दो। तो पूछा, फिर कम से कम कितना समय निकाल सकता है। तो विनती की, जी सिर्फ 5 मिनट। तो बाबा जी ने कहा, हमें 5 मिनट ही मंजूर हैं। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। कोई जन्मे, कोई मरे, कोई बीमार हो, कोई अड़चन हो, पर यह 5 मिनट तू रख लेगा। उस समय सारी कल्पना हटाकर 5 मिनट श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान करके, ध्यान से चरण पकड़कर तूने नमस्कार करनी है। इन 5 मिनटों के बदले तुझे 2.5 घंटे का फल श्री गुरु नानक देव जी देंगे। यह सुन सारी संगत हैरान हो गई। राय बहादुर नारायण सिंह ने माथा टेका। जो कोई बाबा जी के वचन को मानता था उस पर कृपा भी कर देते थे। 3 नियम कराते थे, सेवा, सिमरन और सत्संगत करनी। बाबा जी की हरेक कथा से शिक्षा मिलती है, परंतु यह कथा लिखने के पश्चात मन कुछ उदासा हो गया, क्योंकि मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि लोग तो पहले ही कुछ करके राजी नहीं हैं, और यह कथा पढ़कर सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि नित्यनेम छोड़कर 5 मिनट पर ही आ जाएं, कि अब बाबा जी ने जिम्मेदारी तो ले ही ली है, हमें तो 2.5 घंटे समय निकालने की क्या आवश्यकता है। सो इसलिए विनती है कि इस कथा में से यह भाव नहीं लेना कि राय बहादुर के लिए बाबा जी ने वचन किया, चाहे परथाई साखी महापुरुष बोल दे,
सांझी सगल जहाना है। महापुरुष चाहे एक को संबोधन करके वचन करें, पर होता सबके लिए समान ही है। यह 5 मिनट मन टिकाने की जरूरत है, पर अगर हम 2-2.5 घंटे सिमरन करेंगे और उसमें अगर सारा समय मन नहीं लगता तो 5 मिनट तो टिक ही सकता है। उसके लिए तो साहब ने पहले ही जिम्मेदारी ले ली है। एक चित जह एक चिंत आयो, काल फास के बीच ना आयो। 5 मिनट तो बहुत हैं, एक पल जितना भी समय लग जाए तो उसका भी ये फल है कि वह काल फास से बच जाएगा। पर भाई हम इन स्टेजों से बहुत नीचे हैं, इसलिए समय घटाने के बारे में कभी नहीं सोचना बल्कि बढ़ाना है। जो ना भजन ते नारायणा, तिनका मैं ना करूं दर्शना। कहते हैं कि जो वाहेगुरु का सिमरन नहीं करता उसके माथे भी लगना नहीं चाहता, और उन गंदे मंदे लोगों के माथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लगा रहे हो जो इंसान ही नहीं है। यह पुण्य नहीं कर रहे, पाप कर रहे हो। एक स्थान पर बैठकर अपनी कथा कीर्तन का इतना प्रभाव बनाओ कि लोग आप ही चलकर आएं, जैसे महाराज सुजान सिंह जी ने अपने घर कीर्तन शुरू किया और संगत अनगिनत संख्या में आने लगी, और वह चाल आज भी उसी प्रकार चल रही है जब महाराज की कैसेट लगी हो। आज भी संगतें बड़ी दूर दूर से चलकर आती हैं उनकी कैसेट सुनने को। सो हम सिमरन भक्ति करते नहीं, कथा कीर्तन की खोज के अलावा ऐसे लोग दिखावे में लगकर समय नष्ट कर रहे हैं जिस कारण कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। सत्संगत करनी, पूर्ण महापुरुषों की संगत करनी, रागी सिंहों से कीर्तन श्रवण करना और फिर नितनेम करना सोने पर सुहागा है। सबसे पहले तो सिख अमृत छके, क्योंकि अमृत छकना श्री गुरु गोविंद सिंह जी के स्कूल में दाखिल होना है, और उतनी देर पढ़ाई नहीं कर सकता जब तक स्कूल में दाखिल ना हो। बाबा जी ऐसे सुमत बख्शते थे। अमृत समय उठते समय सबसे पहले आंखें खोलते ही ध्यान से श्री गुरु नानक पातशाह का ध्यान करके चरणों से सिर लगाकर 5 बार वाहेगुरु वाहेगुरु जप लें, फिर क्रिया करके स्नान वगैरह करके बैठकर श्री जपजी साहब का पाठ करें। उसके पश्चात अगर कोई चाय पानी छकना है तो छक लें। घर में अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है तो सतगुरु जी के सन्मुख बैठकर नितनेम करें। अगर प्रकाश नहीं तो सामने श्री गुरु नानक पातशाह जी के स्वरूप का ध्यान करके नितनेम करें। सो गुरमुखो, आज हम संसार के कोने कोने से नज़र दौड़ाते हैं तो अनगिनत महापुरुष नज़र आते हैं, और उनको मानने वालों की कोई कमी भी नहीं है। कुछ दुनिया तो देखा देखी पीछे लग जाती है, और कुछ को कलयुगी ढोंगियों ने लोगों को आसान तरीके से रब के मिलने का निमंत्रण देकर अपने पीछे लगा लिया, क्योंकि जितनी वस्तु महंगी हो उतने ही उसके ग्राहक कम होंगे, और जहां सस्ती और आसानी से चीज़ मिलती हो वहां ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। अब इस बारे विचार कर लें कि सस्ती और आसान कैसे। जैसे आज का मनुष्य कोई भी मेहनत करके खुश नहीं है, हालांकि जहां से शाम को रोटी मिलनी है वहां भी मनुष्य का मन नहीं करता काम करने को। तो जिस अवस्था में परमात्मा ने मिलना है उसके लिए तो यह कुछ करना ही नहीं चाहता। अब सिक्खी धारण करनी है तो नियम है, अमृत समय उठो, स्नान करो, नाम जपो, अच्छे काम करो, 5 शास्त्रों के धारणी बनो। अमृत छककर कितने सख्त कानून बताए हैं, और यह आलसी मनुष्य कुछ भी नहीं करना चाहता, फिर इतनी पाबंदियों में आना ही नहीं चाहता कि इसका लाभ उठाए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए कलयुगी गुरुओं ने दरवाजे खोल दिए। पाबंदी लगानी तो क्या, बल्कि पाबंदी हटा ही दी। अमृत समय उठने की कोई ज़रूरत नहीं, स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं,
अगर स्नान में कोई बाधा ना हो, भाव के सर्दियों को गर्म पानी की जरूरत और गर्मियों को ताज़े पानी की आवश्यकता है, अगर ज़रूरत अनुसार सब कुछ है तो बेशक स्नान कर लो, नहीं तो आवश्यकता ही कोई नहीं। सो कहने का भाव है कि नकली गुरुओं ने सारी ही पाबंदियां हटा दी, ना सुबह उठने की ज़रूरत है, ना नित्यनेम की ज़रूरत, ना केशों की ज़रूरत, बस हमारे पास आओ, आपको परमात्मा दिखाएं और फिर आप सोचो कि दुनिया कैसे ना वहां भाग भाग कर जाए जहां सस्ता परमात्मा हो। यह बात अलग है कि वह परमात्मा असली है या नकली। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।